We are talking about the table of contents. आप लोगों को ये पता हो कि कंटेंट का मतलब क्या है? आप लोगों ने बार दफा सुना होगा कि इस चीज का कंटेंट क्या है, तो उसका मतलब क्या है? या टाइटल इज द नेम ऑफ थिंग्स, कॉन्टेक्स्ट द कंटेंट थे, मजमून, मजमून लिखे, क्या लिखे, किस चीज पे मजमून लिखे, या इस चीज का मजमून क्या है, इस चीज का आइडिया क्या है, जिस चीज पे, जिस थीम पे, सही है? कंटेंट का मतलब है थीम, जो भी आइडियोलॉजी है इस चीज के पीछे वो क्या है, सही है? सो जब हम इंग्लिश बुक निकालते हैं, पहले पेज को आप लोग देखें, टेबल ऑफ कंटेंट्स का मतलब है मजामीन का टेबल। द फर्स्ट थिंग इज नंबर, सीरियल नंबर विच इज 1, 2, 3, एंड सेकेंडली वी हैव द टाइटल, एंड टाइटल मीन्स द नेम, टाइटल मीन्स नेम, जो भी इस सबक का नाम है। थीम का मतलब है जिस आइडिया पे ये सबक लिखा गया है। आप लोग फिल्में देखते हैं, ड्रामास देखते हैं, व्लॉग्स देखते हैं, शॉर्ट वीडियो क्लिप्स देखते हैं, उसके अंदर एक मकसद होता है। आप लोगों ने अगर YouTube पे कोई वीडियो वगैरह देखी है तो उसमें उसका नाम टाइटल अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल गोइंग टू मरी, व्लॉगर्स बनाते हैं ना, हाँ, विजिट टू मरी, या फिर एक फिल्म है कीमत, या फिर कयामत फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें कयामत होती है, तो वो उसका नाम है, आपको अट्रैक्ट करता है, उसके अंदर आइडियोलॉजी अलग होती है, समझ रहे हैं? उसका एक थीम होगा। अगर कीमत एक फिल्म का नाम है तो उसमें कोई कीमत नहीं चुका रहा, अगर चुका भी रहे तो टाइटल रिलेट करता है, कॉन्टेक्ट में होता है उस थीम के साथ। उसमें फेमिनिज्म पे बात हो सकती है, औरत पे बात हो सकती है, मिसोजिनी पे बात हो सकती है, औरतों से नफरत पे बात हो सकती है, रिलीजन पे बात हो सकती है, समझ रहे हैं? अब फॉर एग्जाम्पल पहला जो आप लोगों का सबक है, सीरत तैयबा एंड द मुस्लिम यूथ। सीरत तैयबा हुजूर सल्लम की ज़िंदगी और मुसलमान नौजवान, तो इस सबक का ये टाइटल है। आगे इसका थीम देखे, करेक्टर बिल्डिंग, इसका मकसद क्या है, करेक्टर बिल्डिंग। देखे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिलेशनशिप कैसा था नौजवानों के साथ, अब इससे सबक क्या मिलता है, तो वो जो सबक हमें मिलता है सीखने को, उसको हम क्या कहते हैं, थीम। समझ गए? ये सबक इस राइटर ने इस किताब में क्यों डाला है, आप लोगों को कुछ पढ़ाने और सिखाने के लिए, और वो चीज़ क्या है, इसका थीम है, और थीम का नाम क्या है, करेक्टर बिल्डिंग, कि आप एज यंगस्टर्स क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या आप लोगों को करना चाहिए। आउटकम्स इसके क्या होंगे, एक होता है इनकम, एक होता है आउटकम, यस। सो इससे क्या मायाहस क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, रीडिंग पे काम होगा आप लोगों का, राइटिंग पे होगा, ओरल कम्युनिकेशन, बात कैसे करेंगे आप लोग, एंड देट वुड बी आल्सो वाइल रीडिंग द लेसन एंड आफ्टर द लेसन इज वेल, आप लोग जो ग्रामर करेंगे एक्सरसाइज वगैरह पे, उस पर उसमें भी इन चीज़ों पे काम होगा, विकेबलरी एंड ग्रामर, इन चीज़ों पे भी काम होगा। सेकेंडली जिनाज विजन ऑफ पाकिस्तान, जिना का मकसद क्या था पाकिस्तान बनाने का, क्लियर? और ये जो जिनाज लिखा है इसका मतलब क्या है, आई फॉरगॉट योर नेम, आई अफाक, यस, हाँ, तो ये तो गलत हो गया, तो इनका जैसे इनकी मर्जी जो भी लिखे जी, जो आपको नहीं पता। हाँ, देखिए एक होता है पोजेसिव प्रोनाउन, क्या होता है, जो मलकियत को जाहिर करता है, किस चीज को, जिसका मतलब होता है ओनरशिप। व्हेन यू ऑन समथिंग, आपका किताब है, किसी ने वो आपसे छीनने की कोशिश की, या वो रोजाना आपके बैग से उठाए, बाहर से जाता है आपके बैग से किताब उठाता है और खुद पढ़ता है, आप क्या सोचेंगे, किताब किसका है,
और ये पागल हो गया है वासित, समझ रहे हैं? बिकॉज यू ऑन द थिंग, आपका मोबाइल सेलफोन है, आपने बाजार में ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे अफाक आके उसे उठा देता है, तब उसके पीछे भागते क्यों है? वो आपका अपना है। अगर बासित इस तरह जा रहा है, उसका मोबाइल कोई छीने उठाए, आप भागेंगे उसके पीछे? ओए हो, बुरी, बहुत बुरा हुआ यार। बस तो आप अपने लिए भी ऐसा करें ना कि बहुत बुरा हुआ यार। हम फिर ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज वी ऑन द थिंग, हम मालिक होते हैं। सो हम फिर कहते हैं कि माई मोबाइल, और ये जो माई है ये आपके नाम के ऊपर लगता है। इसका सब्जेक्टिव क्या है? पॉजिटिव क्या होगा? माय या माइन, क्लियर? और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मी। यू हेट मी, आपने मुझे मारा। नफरत वाला हेट नहीं, वो हेट है और ये हिट है, एच आई टी। तो ये होते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। क्या एक है ही और उसका फिर मलकियत होगा हिज, एक है शी उसका मलकियत होगा हर, दे देयर, इस तरह। लेकिन जब नाम की मलकियत आप जाहिर करेंगे तो उसके लिए आपको जरूरत होती है अपोस्ट्रफी एस की। आप कैसे कहेंगे कि बासित का मोबाइल? एक तो आपने कहा कि उनका या उसका, समझ रहे हैं? एक आपने कहा कि उसका या उनका, एक आप कह रहे हैं कि बासित का, तो आप फिर नाम के साथ अपोस्ट्रफी लगाते हैं। अपोस्ट्रफी इस चीज को कहते हैं, उल्टा कामा ऊपर जो लगता है, और उसके साथ आप क्या लगाते हैं? एस। अच्छा, बासित का, बासित बुक वॉज स्टॉलन, बासित का किताब या बासित की किताब चुराई गई थी। अब हम इसके लिए हेज नहीं लगा रहे, जो प्रोनाउन है, हम नाउन के साथ अपोस्ट्रफी एस लगाते हैं, तो ये मलकियत को जाहिर करता है। जिनाज विजन का मतलब है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का, मकसद ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बनाने का मकसद। इसका थीम क्या होगा? टॉलरेंस, सबर, बर्दाश्त, ह्यूमनिज्म, इंसानियत क्या है, उसमें ये चीज़ें सीखते हैं आप लोग इस सबक में। इक्वलिटी बिटवीन ग्रुप्स एंड नेशन, ग्रुपों के दरमियान और अकवाम, कौमों के दरमियान आप इक्वलिटी को कैसे जाहिर करेंगे? फैसल अमीन, एक होता है ग्रुप कि ये शिया है, ये सुन्नी है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, और एक मुल्क में रह रहा है, उसे हम ग्रुप कहते हैं, या ये बरेली देवबंदी वगैरह है, पंचपीर है। एक होता है नेशन, अफगानियों के साथ कैसे ताल्लुक रखेंगे, इंडियंस के साथ, अमेरिकन्स के साथ, अमेरिकन्स के साथ तो हमारा ताल्लुक बहुत अच्छा है, गहरा है, सही है। नंबर थ्री, सॉलिटरी रीपा और सॉलिटरी रीपर। थर्ड जो सबक है उसका टाइटल है सॉलिटरी रीपर, और ये एक पोएम है, और इसका जो थीम है वो अप्रिसिएशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ, कि आप नेचर को, खूबसूरत चीज़ों को अप्रिशिएट कैसे करते हैं, और आप चीज़ों को वैल्यू कैसे देते हैं। वैल्यू देना समझते हैं आप लोग? जब आप किसी चीज़ से मोहब्बत करते हैं उसकी आप इज्जत करते हैं, और जब आप इज्जत करते हैं तो जाहिर सी बात है वैल्यू देते हैं। तो आप लोग अपने पेरेंट्स से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या मोबाइल फ़ोन से? मजाक ही हो यार। आप जब फिल्म वगैरह देखते हैं और आपको फादर या मदर बुलाए, आप जाते हैं? नहीं। तो आप वैल्यू किसको देते हैं? इस कमबख्त को। सो इट मीन्स दैट यू लव इट मोर देन योर सिबलिंग्स एटसेट्रा, यू लव योर पेरेंट्स, हालांकि ये सब सीजनल चीज़ें हैं, ओके ये सारे हम तोड़ सकते हैं उनके लिए, पर आई एम जस्ट सेइंग कि वैल्यू देना उन लोगों को ज़्यादा चाहिए जो ज़्यादा करीब हो। अच्छा, इसमें भी आपके आउटकम्स वही ग्रामर वगैरह की चीज़ें हैं। नंबर फोर, ट्रक आर्ट, क्या चीज़? और ट्रक आर्ट में आप ये सीखते हैं कि ट्रकों को हम रंग कैसे करते हैं, उस पर शेर और शायरी कैसे लिखते हैं। अच्छा, इसमें ये सारी चीज़ें, तो ये क्यों होते हैं? पीछे से कर्नल शेरखान की तस्वीर बनाई, किसी नगमा वगैरह की, किसी लड़की की, गुलपाणा की, शाहरुख खान की, जहांगीर खान की, किसी और की, शान की, इनकी तस्वीरें क्यों बनाते हैं? या इस पे साइड से वो जो कपड़े वगैरह क्या करते हैं, उसे लटकाते हैं, या लाइट्स वगैरह, हज़ारों लाइट्स लगाते हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल आर्ट, और ये एशियन और स्पेसिफिकली अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान और इंडिया में भी है। इधर है रिस्पेक्ट फॉर आवर प्रोफेशंस, ये उसका थीम है, सारे के सारे पेशों का आप कदर करेंगे।
आप जब मिस्त्री खाने में जाते हैं ना एज अ वर्कर, फिर आप लोगों को पता चलता है कि इसमें कितना नॉलेज है, इसमें कितनी की डिग्रीज है। उस्ताद जो होगा ना उस्ताद, वो सिगरेट पिएगा और चाय पिएगा और आप उसे बहुत छोटा फील करेंगे कि ये तो बहुत बड़ा है, महान है। लेकिन जब हम बाहर से देखते हैं ना, स्कूल कॉलेज में आते उस्ताद बाहर में जाए, वो क्या उस्ताद, मिस्त्री है। जब हम ट्रक्स या ड्राइविंग वगैरह में जाते हैं, आप कंडक्टरी से स्टार्ट करते हैं, तो वो जो ड्राइवर होगा वो बहुत महान होगा। अब पेशे के अंदर गए ना, यू आर लुकिंग नॉट आउटसाइड फ्रॉम द आउटसाइड, तो जब आप इनर जाते हैं आपको फिर इज्जत वगैरह का पता चल जाता है। अच्छा, वैल्यूइंग डिस्पेरिटी एंड इक्वलिटी अमंग प्रोफेशंस, जो डिस्पेरिटी है, डिफरेंसेस है प्रोफेशंस के बारे में, वो भी आप जान लेते हैं कि टीचिंग, नर्सिंग, ड्राइविंग, ये सारी चीज़ें प्रोफेशंस हैं। आर्मी में सोल्जर होना, पुलिस होना, और ये चीज़ें आप समझ जाते हैं। फिर नंबर फाइव है द लास्ट लीफ, जिसमें ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिज्म पे बात होती है, फ्रेंड्स है, शॉर्ट स्टोरी है इसमें, सुई एंड जॉनसी, उसकी मोहब्बत की कहानी है, उसके एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट की कहानी है, एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करने की कहानी है। उसमें एक बंदा है, वो उसके लिए अपनी जान गंवा देता है एक लड़की को बचाने के लिए। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल ह्यूमैनिटी टू गिव होप, होप भी इसका वन ऑफ द थीम्स है। अच्छा, फिर इसके बाद है एफ, जो कि एक पोएम है, रुडयार्ड किपलिंग साहब का है, और इसमें भी आप लोगों का करेक्टर बिल्डिंग होगी। कल हमने इस पर बात की भी थी थोड़ी, कि ये बहुत फेमस पोएम है और इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अप्रिशिएट किया जाता है इसको। फिर सेवन नंबर पे हबल है, टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर इसका थीम है। अब ये जो सात नेम्स हमने लिए और इस पर बात की, यू आर गेटिंग बोर्ड इन द क्लास, जो सात नेम्स हमने लिए और इस पर बात की, इसका मतलब है कि इंग्लिश के बुक में हम ओवरऑल वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं जो एक इंसान के जहन में होने चाहिए। पहले में जाए ना, करेक्टर बिल्डिंग, सीरत मुस्तफ़ा, रिलीजन के साथ रिलेशन है आपका, आपका मोहब्बत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, फिर वो जो मोहब्बत करते थे नौजवानों के साथ। क्लियर है? दूसरी बात, जिनाह का विजन क्या है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान और जिनाह हमारा प्राउड है, हम नेशनलिटी पे बात करते हैं, हम इसका कितना इज्जत और एहतराम से देखते हैं, ये सारी चीज़ें, और उसमें जो उनके टीचिंग्स है वो भी आपको सिखाए और पढ़ाए जाते हैं। नंबर थ्री है सॉलिटरी पर, अब इधर आप नेचर की बात करते हैं कि नेचर को खूबसूरत कैसे बनाना है, करना कैसे है, अप्रिशिएट कैसे करना है ब्यूटी को, या फिर अगर फीमेल के साथ आपको मोहब्बत होती है, या अगर आप फीमेल है तो मेल के साथ होती है, उन चीज़ों को आप दिल के तार। हाँ, लेकिन ये भी तो नेचर है ना, आपने कोई ना कोई ज्यादती की होगी इसलिए ये गुस्सा हो गया नेचर। ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुना है? तो हम वो करते हैं, हाँ हम उसे गंदा करते हैं, फिर वो तो हमें गंदा करेगा। यस, अच्छा लास्ट लीव में ह्यूमैनिज्म, इन चीज़ों पे बात। टर्न ओवर द पेज, एट नंबर है लेसन फ्रॉम द बैटल ऑफ ओहद, ओहद की लड़ाई में जो चीज़ें हुई थी, आपको ये भी समझाया जाता है कि आप कितने गैरतमंद हैं और आपको कितना गैरतमंद होना चाहिए, कितना बहादुर आपको होना चाहिए। सही है? अब है माशाल्लाह। थीम का मतलब है, इसका थीम जो है वो है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नौजवानों को क्या करना चाहिए। इसमें भी पहला जो जंग हुआ था वो जंग बदर था कि थी, पहली जंग जंग बदर थी। अच्छा, मेरा मुअन्नस मुजक्कर है, मुजक्कर मुअन्नस है। और दूसरी जो जंग थी वो ओहद थी, तो इसमें भी नौजवानों का सुना गया था, नौजवानों को सुना था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो चाहते थे कि हम मैदानी इलाके में लड़ाई करें, और बूढ़े चाहते थे कि वो मदीने के अंदर गलों में, स्ट्रीट्स वगैरह, गलियों में लड़ाई करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रेफरेंस दिया नौजवानों को, समझ रहे हैं, उनके जज्बात की कदर की। तो इधर आपको ये समझाया जा रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पेक्टेड द यंगस्टर्स मोर देन द एल्डर्स वंस। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके क्या है, उस पर बात होगी इंशाल्लाह, इसको फिर डिटेल से पढ़ेंगे। द टॉयज एक पोएम है, और इसका जो थीम है वो मर्सी है, रहम खाना, रहम करना, कंपेशन है, सिंपथी बच्चों पे, और फॉरगिवनेस, डिवाइन लव, इन चीज़ों पे बात होगी इस पोएम में। एक वालिद साहब है, वो बेटे के साथ, उसका बेटा उसे नाराज़ हो जाता है, उसकी बीवी जो है वो मर चुकी होती है, तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस्ड है। नंबर टेन है द जेंडर इनइक्वालिटी एंड इट्स इम्प्लिकेशंस। जेंडर इनइक्वालिटी आपके सोसाइटी में है कि नहीं है? नहीं है जी। जेंट्स सेक्स में डिफरेंसेस नहीं करते आप?
यानी शीमेल जी। तो आप सबको एक निगाह से देखते हैं, इन इक्वलिटी की बात करते हैं, आप इनको इक्वल समझते हैं? आप इक्वल समझते हैं? आप नहीं समझते ना इक्वल। ना 11 जहांगीर खान द कांगरर, फिर से आपके हीरो की, पाकिस्तान की, नेशन की बात होती है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या क्या किया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड 12 ट्रांसेंसी पे बात हो रही है, ऑल द वर्ड्स अ स्टेज, विलियम शेक्सपियर ने लिखी है ये, एक ड्रामा में एक मोनोलॉग है। मोनोलॉग का मतलब है एक बंदे की बात, मोनो का मतलब समझते हैं, डायलॉग दो बंदों के दरमियान होगी, मोनोलॉग। तो एक बंदा है वो स्टेज पे ये लाइंस दोहरा रहा है, और ये एक ब्लैंक वर्स में एक पोएम है, खूबसूरत है बहुत ज़्यादा। 13 टेक्निकल एजुकेशन, लाइफ स्किल्स एजुकेशन, स्किल्स सीखना, टू बी अ मिस्त्री, टू बी अ कारपेंटर, टू बी अ रंगसाज, सही है, ये सारी चीज़ें। टीचर बनने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होगी, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, लेकिन स्किल्स है, टाइपिंग, कंप्यूटर पे शॉर्ट शॉर्ट कोर्सेज, ये सारी चीज़ें। आपको फोटोग्राफी आती है जी, ये एक स्किल है, इसके लिए आप 16 साल नहीं पढ़ते। बाज़ लोग देखते हैं ना आप लोग, वो सबसे खूबसूरत तस्वीरें निकालते हैं, हम जब निकालते हैं फजूल। 14 लिंकन जॉर्ज, और ये एक पहाड़ी में काम की कहानी है, पहाड़ी में लोग काम करते हैं, इसमें ड्यूटी और रिस्पांसिबिलिटी की बहुत उम्दा मिसालें दी गई है, आला किस्म की मिसालें दी गई है। 15 वंस अपॉन अ टाइम पोएम, ये भी एक पोएम है, किसी ज़माने में ऐसा भी होता था, या ऐसा हुआ करता था, या ऐसा था, आजकल वो चीज़ें नहीं है। इट्स अबाउट योर यंग एज, एंड आप जब बूढ़े हो जाते हैं, और फिर ये जो ज़माना बचपना, ये सारी चीज़ें गुजर गई ना आप लोगों पे, अब आप लोग ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करेंगे कुछ महीनों बाद या एक साल बाद, या भाई यूनिवर्सिटी था जेरा से या फ्री से, एंड देन यू विल गो फॉर एंड वर्क फॉर एंड थिंक फॉर जॉब्स। आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, सीवी इधर जमा करें, सीवी उधर जमा करें, और मेरा एक कज़न है उससे मैं हेल्प ले लूँगा, मेरा अबू मेरा हेल्प करेंगे, और मुझे अरब कंट्री में जाना चाहिए, मुझे यूरोप के लिए अप्लाई करना चाहिए। ये 2-3 साल आप लोग ये करेंगे, इस भाग दौड़ में रहेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों की शादी हो जाएगी, शादी हो जाए। मजदूरी की ही तो बात कर रहे हैं, मजदूरी से तो आया था दिहाड़ी, या फिर आप शादी कर लेंगे, या उससे पहले आप लोगों की हुई होगी, और फिर आप लोग बिजी हो जाएंगे, फिर आप लोग स्किप भी नहीं कर पाएंगे कि ये जॉब है, ठीक है जी, बस पैसे आ रहे हैं, ये ख्वाहिशात और ये चीज़ें आपको दबाने पड़ेंगे फिर, और फिर आप बूढ़े हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे, और फिर सारा का सारा सुकून तो खबर में है। ओके 16 टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में टूरिज्म के जो स्पोर्ट्स है, जो इलाके हैं, वो कौन कौन से है, उस पर बात होगी। टूरिज्म से हम कितने पैसे कमाते हैं, टूरिज्म को हम कितनी तरजीह देते हैं, ये सारी चीज़ें। टूरिज्म इम्पोर्टेंट कितना है, आप लोगों को पता है टर्की सबसे ज़्यादा पैसे फाइनेंशियली जो स्ट्रॉन्ग है वो टूरिज्म से कमाता है। विज़िट वीज़ा, ठीक है जी, विज़िट वीज़ा, ठीक है जी, आप अगर विज़िट पे जाएंगे ना तो आप 6 महीने का स्टेटमेंट रखेंगे 2-3 लाख का बैंक में, 6 महीने से एक दिन भी कम हो आपको वीज़ा नहीं लगेगा, देखें वो कोई वीज़ा नहीं लगेगा आपका। 17 डिजर्विज बेबी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी ह्यूमनिज्म पे बात होगी, ब्लैक वाइट ब्राउन ये सारे पीपल, इनमें डिफरेंसेस क्या है, हम ब्राउन है ना, एशियन पीपल, हम गनम रंग है, वीटिश है। 18 लाइंस अफाक, 18 लाइंस फ्रॉम द डिजर्टेड विलेज, ये एक पोएम है, ये आप लोगों के बचपने पे बात करेंगे, जो झूला वगैरह है, जो दरख्ते हैं जिसके नीचे आप टाइम स्पेंड करते थे, जो भी कलीवाल इलाके हैं, जो भी कलीवाल टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया है, उन चीज़ों पे बात होती है इस पोएम में। 19 लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज एक नावल है, और इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला है इस नावल पे, कुछ 15-20-30 पेजेस होंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा, हाँ, इसको वीडियो वगैरह से कवर कर लेंगे। सो आई होप इम्पोर्टेंट चीज़ बासित। यस सर।
ये जो कंटेंट पे हमने बात की, इसका मतलब ये नहीं था कि हम खुलासा करें पूरे के पूरे किताब का उस लिहाज से कि किताब हम एक दिन में समझे। इसका मतलब सिर्फ आप लोगों को ये सबक देना था कि इंग्लिश में हम कौन कौन से चीज़ें सीखते हैं, तो आप लोगों को पता चला। लेकिन आप लोगों ने कम से कम कुछ ना कुछ तो सीखा ना सुल्तान। तो या फिजिक्स में सीखते हैं, बायो में, उर्दू में सीखते हैं। यस सर। इसका मतलब है कि आर्ट्स में जो चीज़ें आप सीखते हैं वो साइंस में आप नहीं सीखते। साइंस में आप सोसाइटी, रिलीजन, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें आप नहीं सीखते। करेक्टर बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं होती। तो आप आर्ट्स के सब्जेक्ट से, और फिर आप लोग अभी तक इंग्लिश और उर्दू पर सिर्फ बात करते हैं, तो यही चीज़ें आप सीखते हैं। क्लियर है? एनी क्वेश्चन? थैंक यू।